ऑर्डरिंग कर रहा है, वो मोजो पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हैं मैंने, दो तीन गार्लिक ब्रेड और चॉकलेट लावा केक और मतलब एक चीज़ और है, सारा कुछ अभी बता दूंगा तो फिर आप एंड तक रुकोगे ही नहीं। तो पहले तो सभी को हैप्पी मदर्स डे, आपके घर पर भी या कोई देख रहा हो सभी को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। और एक मदर्स डे है, मैं चाहूँगा कि वो एक डे नहीं है कि जो आपकी मदर जितना आपको लव करते हैं या जितना डेडिकेशन से आपको गाइड करते हैं कि एक दिन उसको ओवरराइड कर सके। तो हमें हर दिन ही अपनी मदर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बस यही मैं कहना चाहता था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसी लगेगी आपको जो आगे देख के, और प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखो और मुझे सजेशंस दो यार मैं क्या कंटेंट कवर करूँ, क्योंकि तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। और जो रीच और ग्रोथ है चैनल की वो भी मुझे इतनी हो नहीं रही है, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करो, प्लस में लाइक करा करो और कमेंट करके बताया करो मुझे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ और फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये ना मोजो पिज़्ज़ा का एक कॉम्बो आता है, तो मैंने वो ही ऑर्डर किया है आज। तो इसमें दो पिज़्ज़ाज, एक गार्लिक ब्रेड, एक चोकलावा केक और एक पेप्सी में एक ये वाली थी, एक नॉर्मल वाली थी, तो मैंने ये मंगा ली। गार्लिक ब्रेड में भी मतलब आप ऐड ऑन कर सकते थे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वेरियंट्स में, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो मैंने करा है वो। तो और चलिए अब आपको दिखाता हूँ और एंड में पूरा प्राइसिंग बताऊँगा मैं आपको। तो पहले ये पिज़्ज़ा ओपन करते हैं, ये मार्गरीटा वाला है, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों मुझे तो ये, और मुझे इनका बेस काफ़ी पसंद है, पूरा बेक्ड होता है और एकदम सॉफ्ट रहता है इनका, कड़क नहीं होता डोमिनोज की तरह, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखो आप। और तो दूसरे वाला भी ओपन करता हूँ, इसकी टेप वगैरह मैंने पहले ही हटा ली थी ताकि ईजी रहे वन हैंड शूट करने को मेरे लिए। ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है यार, लुक इसकी देखो बहुत बढ़िया है। और ये गार्लिक ब्रेड है हमारी पनीर स्टफ्ड वाली, इसकी लुक भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, साथ में चीज़ें डिप आई है। और केक जो है मैं एंड में ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है, पर उसकी लुक ख़राब हो जाती है। चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ गई है टेस्ट करने की, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, सिंगल हैंडेड ली ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है यार, ट्राईपॉड वगैरह मैं मतलब लिया नहीं है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। ये देखो लुक क्या मस्त लग रही है पिज्ज़ा की, मस्त लग रही है यार दोस्तों। अब ये जाएगा मेरा सीधा मेरे मुंह के अंदर, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है अभी, प्लेन मार्गरीटा पिज़्ज़ा है डबल चीज़ वाला। चलिए अब इसकी बाइट लेके आपको बताता हूँ। रेडी हूँ मैं बाइट लेने के लिए पिज़्ज़ा की, सो लेट्स टेक द बाइट। बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा दोस्तों, रियली गुड, 10 में से 9 की रेटिंग है इस पिज़्ज़ा को मेरी तरफ से। अब मैं तोड़ता हूँ कैप्सिकम वाला भी, यार एक बंद करता हूँ, बोल लिया दोस्तों मैंने कैप्सिकम वाले की भी एक स्लाइस, क्या बढ़िया लग रहा है देखो भाई साहब, बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा है और चीज़ एकदम बढ़िया डली हुई थी उसमें, तो इसमें भी मस्त ही लग रही है। चलिए बाइट लेता हूँ, इतनी बाइट ऑफ की कैप्सिकम वाला और वीकेंड से वेजी वाला, कैप्सिकम देख के कैप्सिकम ऊपर आई जा रहा है, तो चलिए लेते हैं इसकी बाइट। दोनों पिज़्ज़ा दोस्तों 10 में से 9 है मेरी तरफ से, कैप्सिंग वाला तो मुझे और अच्छा लगा है, और स्टफिंग देख लो, गार्लिक ब्रेड की मैंने तोड़ ली थी एक स्लाइस, पनीर अच्छे से भरा हुआ है अंदर, कोनों में नहीं है पर सेंटर में तो दिख रहे हैं आपको पीसेस। ये भी मैंने मीडियम बीच वाला पीस तोड़ा है, ये देखो इसमें भी है, और ये डोमिनोज से हैवी लगती है मुझे, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो आप चेकआउट कर सकते हो इसकी भी। अब एक बाइट लेके देखिए, गार्लिक ब्रेड तोड़ ली है दोस्तों मैंने, चीज़ी ड्रिप वाली नहीं ली है मतलब ओपन नहीं की है, इसमें ऑलरेडी चीज़ है जैसे आप देख सकते हो, और मैं इतना कोई खा के मोटा नहीं होना चाहता, तो चलिए इसकी बाइट लेते हैं एक बार। अच्छी है दोस्तों ये भी, बस चीज़ अंदर ज़्यादा है, या इतनी मैं चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ लिक्विड वाली का, मुझे मोज़रेला या जो ऊपर से डालते हैं ना स्लाइस करके वही पसंद है, इसमें मुझे ऐसे लगता है जैसे मेयोनीज़ भी डाल दो चीज़ भी डाल दो तो पता नहीं लगता, मतलब इसमें एडल्ट्रेशन इजीली हो जाती है, तो इसलिए मैं इस चीज़ का इतना फ़ैन नहीं हूँ। इसको मैं दूंगा 10 में से 8.5, बढ़िया गार्लिक ब्रेड भी, पनीर पूरा है अंदर, और चीज़ मुझे चीज़ ओरिजिनली लग रही है क्योंकि मेयोनीज़ थोड़ी वाइट होती है, क्रीमिश कलर में है जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो इसको भी 10 में से 8.5 है मेरी तरफ से।
अब देखते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा मैंने बहुत जगह की चॉकलेट लावा के एक्स ट्राई आउट करे हैं और उन सब में मुझे ये कंप्लेंट दिखती है कि ये साइड से इनके जल जाते हैं और मैंने हर वीडियो में वो रेज भी करा है। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, ये देखो अंदर से निकला है लावा, अभी लावा जाएगा मेरे सीधा मुँह में और साथ में आप भी इसको वीडियो के थ्रू इंजॉय कर लो अगर कर सकते हो तो। अभी वो टेक्नोलॉजी तो आई नहीं कि आपके टेस्ट करा पाऊँ मैं ये, तो इसकी बाइट लेते हैं। बट ये कंसर्निंग पार्ट है कि डोमिनोज में ऐसा नहीं दिखता मुझे जला हुआ कहीं पे भी, पर और ब्रांड में ना दिखता है मेरे को। चलिए इसकी बाइट लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और पूरा आपको बता दूंगा कितने का आया क्या रहा। बाइट ऑफ चॉकोलावा, बढ़िया मीठा। ये तो एक फैक्ट है दोस्तों, जितना मर्जी आप खा लो जब तक मील मीठे से एंड नहीं होती ना, लगता नहीं है कि आपका बढ़िया से डाइजेस्ट होगा फूड। मेरे को तो ये लगता है, मैं तो घर में भी लंच डिनर के बाद क्रेविंग्स होती है मीठा कुछ खाने की, तो मैं खाता रहता हूँ। मिठाई मेरे घर पे आती रहती है क्योंकि पसंद है हमको सबको मीठा खाना। और बाकी आप लोग मुझे बताइए आपको पसंद है क्या मीठा खाना, खाओ चल लो उतना, वॉक करो एक्सरसाइज करो कंपनसेट कर दो, कुछ नहीं होगा आपको डायबिटीज़ वगैरह। पर अगर आप खा के बैठे हो या खाई जा रहे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज, तो आपको हार्म करेगी वो चीज़। अगर आप खा रहे हो और उसको कॉम्पनसेट कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो मर्जी खाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करो यार, कमेंट्स करोगे तभी रीच बढ़ेगी चैनल की। और बस हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन टू ऑल, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो। तो इसका जो प्राइसिंग है ना कॉम्बो का या मील जो भी कह लो 549 रुपीज़ है, उसमें इतना सब कुछ आया था। तो मुझे आप कॉमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा ये। और ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम भी इनका मंगाया था, उसमें पिज़्ज़ा वेरिएंट्स वगैरह अलग थे आई थिंक। तो अगर आप वो वीडियो भी चेकआउट करना चाहते हो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, मोजो पिज़्ज़ा के नेम से ही होगी। और इसमें एक और मील भी आती है इनकी, 10 इंचेस के दो पिज़्ज़ा आते हैं 549 में। तो अगर आप चाहते हो मैं वो भी ट्राई आउट करूँ तो मुझे कॉमेंट्स करके बताइएगा। चलिए बाय बाय।